हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्वल्स की मल्टीवर्स दुनिया में। व्हाट इफ एपिसोड नंबर 8, आज तक का सबसे बेहतरीन लाजवाब एपिसोड था ये। मजा आ गया, मतलब मैं तो कहता हूं ये पूरा सीजन का सबसे बेस्ट एपिसोड है। तो शुरुआत होती है नताशा रोमानोव से, जो अपनी धासु बाइक पर अल्ट्रॉन्स के रोबोट से बचकर निकल रही होती है। और हाँ, ये बाइक्स हम लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखी हुई है। और तभी वहीं बिल्डिंग के ऊपर से क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई विडोकोन रोबोट से बचने में मदद करता है। हालांकि ये बात सोचने वाली है कि उसके राइट हैंड को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन उसी हालत में वो अल्ट्रॉन के रोबोट्स का सामना करता है। और हाँ, बस इतना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पहले से ही तबाह हो चुकी होती है। तो इस सबकी शुरुआत एज ऑफ अल्ट्रॉन इस मूवी से होती है। बस इस टाइमलाइन में एवेंजर्स अल्ट्रॉन को हरा नहीं पाते। हालांकि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखा है कि अल्ट्रॉन विजन को क्रिएट करते समय एवेंजर्स विजन को चुरा कर एवेंजर्स टावर पर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस टाइमलाइन में अल्ट्रॉन अपना मिशन पूरा कर लेता है, यानी कि अपना पूरा डेटा विजन के वाइब्रेनियम वाली बॉडी में अपलोड करने में कामयाब हो जाता है। तो अल्ट्रॉन को विजन का शरीर मिल जाने से उसके स्मृति मनी से वो सारे एवेंजर्स को खत्म कर देता है, सारे एवेंजर्स, लगभग सारे एवेंजर्स, और पूरी दुनिया तबाह कर देता है। पूरी मानव जाति को मिटाकर विजन अकेला ही सोच रहा होता है, तभी थैनोस धरती पर आता है उसका स्मृति मणि लेने। लेकिन इस बार विजन अपने स्मृति मणि से थैनोस के दो टुकड़े कर देता है। वो क्या सीन बनाया है, पता नहीं ये विजन ने इन्फिनिट वॉर में क्यों नहीं किया। खैर जाने दो, क्योंकि अगर उस वक्त वो ऐसा करता तो हमें एवेंजर्स एंड गेम तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। तो थैनोस को मारकर और इन्फिनिटी गंडलेट को तोड़कर सारे अनंत मणि अपने अंदर समा लेता है। वास्तविकता यानी कि रियलिटी स्टोन की मदद से अपनी अल्ट्रॉन की आर्मी विजन एक झटके में बना देता है। लेकिन यहां तक आने पर वो रुकता नहीं है। इसके बाद पहले वो एस्गार्ड पर जाता है, वहां अपनी आर्मी छोड़कर पूरा प्लेनेट बड़े ही बेहतरीन वेपन से सिर्फ एक ही वार में पूरा प्लेनेट उड़ा देता है। पता नहीं इस वेपन का आखिर क्या नाम है, लेकिन क्या पावर है यार। एस्गार्ड के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का प्लेनेट सोवर्जीन, उसके बाद कलेक्टर का प्लेनेट सका, उसके बाद ईगो, ऐसे करते करते पूरा यूनिवर्स तबाह कर देता है। सब कुछ तबाह करने के बाद उसे वॉचर की आवाज सुनाई देती है और उसे मार अल्ट्रॉन मल्टीवर्स में घुस जाता है। वहां दूसरी तरफ पूरी धरती पर सिर्फ विडो और हॉकाई मौजूद अपनी आखिरी उम्मीद ढूंढ रहे होते हैं। तो बहुत ढूंढने पर उन्हें आर्नीम झोला की फाइल मिल जाती है, उसमें हाइड्रा के पुराने बेस के बारे में लिखा होता है। ये वही बेस है जहां पर कैप्टन और आयरन मैन के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। तो वहां पर जाकर दोनों आर्नीम झोला के कंप्यूटर प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर देते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि वही अब इस सबकी आखिरी उम्मीद है, वही एक आखिरी रास्ता है जो अल्ट्रॉन को रोक सकता है। झोला के प्रोग्राम को होकर अपने एरो में डाउनलोड कर लेता है और जब उन्हें मारने अल्ट्रॉन्स की आर्मी वहां पहुंच जाती है तो उनमें से एक रोबोट्स पर उसी एरो से हॉकाई हमला कर देता है। तो उसी एरो से उस रोबोट्स के अंदर झोला का प्रोग्राम अपलोड हो जाता है। लेकिन वहां दूसरी तरफ अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉचर खुद इतनी टाइमलाइन बनाने के बावजूद अल्ट्रॉन उस पर हावी हो जाता है। आखिर में अल्ट्रॉन से दूर भागने के लिए वॉचर वहां से अपनी जान बचाकर भाग लेता है। इस सबके बीच
दुनिया को वापस लाने की कोशिश में हॉकाई अपनी जान कुर्बान कर देता है, क्योंकि अल्ट्रॉन मल्टीवर्स में मौजूद होने से चोला उस तक अपनी कनेक्शन नहीं बना पाता। गाइस, कहानी के अंत में वॉचर सब कुछ हार जाने के बाद एविल डॉक्टर चेंज के पास पहुंच जाता है अपनी मदद मांगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो कैसे डॉक्टर चेंज की मदद से वॉचर अल्ट्रॉन को रोक पाता है और पूरे मल्टीवर्स को दोबारा बना लेता है, ये हम जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि इस कहानी की एंडिंग आप मिस ना कर सके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।